कितने दिन हो गए नए साल शुरू होकर? 6 दिन हो गए। सो अभी भी हम पहले ही हफ्ते में हैं, और मैं विचार कर रहा था कि इस साल के पहले हफ्ते के दिन किस विषय में आपसे बात करूं, और प्रभु ने मुझसे कहा कि अब फिलिप्पियों 3:12-14 हम देखते हैं। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं, और कि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। भाइयों और बहनों, ये पौलुस लिख रहा है, और ये पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। और ये कहाँ से लिख रहा है पता है आपको? ये जेल से लिख रहा है। ये एक रोम के जेल में है, और वहाँ से फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, और उसकी उम्र इस समय 60-65 के आसपास है। और ये प्रभु यीशु मसीह को जानकर 25-30 साल पहले इसने प्रभु यीशु मसीह को जाना हुआ है, और ये 60-65 मतलब हमारे हिसाब से रिटायर हो चुका है, लेकिन उस उम्र में ये कुछ बोलता है। और ये क्या बोल रहा है कि यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, वो बोलता है कि मैंने अब तक सब कुछ प्राप्त नहीं किया है, और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है, वैसा लिखता है उधर। और 2019 में जैसे भैया ने कहा कि हमने बहुत सारे प्लान्स करते हैं नए साल में, हम सब लोग क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं, निश्चय करते हैं 2019 में हम क्या करेंगे, 2018 में हमने क्या किया था, फिर 2019 में हम क्या करेंगे। और पौलुस 60-65 की उम्र में उसका भी कुछ लक्ष्य है, उसका भी कोई उद्देश्य है। और 14 वचन में वो कहता है लक्ष्य की ओर वो दौड़ा जाता है, और वो लक्ष्य की ओर कैजुअली नहीं जा रहा है, वो दौड़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ताकि वो इनाम पाना चाहता है, कुछ इनाम पाना चाहता है। भाई और बहनों, और हम सब के लिए पिता, मैं आज वचन से इसी बात को बोलना चाहूँगा कि हम 2019 के लिए हमारे पास क्या सपने हैं, हमने क्या क्या सोचा है। भैया ने बहुत कुछ बताया 2019 के लिए हमें क्या करना है वचन के बारे में, और मैं भी आपको वचन के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। अगर हम बिना किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहे हैं तो हमारा जीना व्यर्थ हो जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्यों जी रहे हैं, उनके जीवन का उद्देश्य उनको पता नहीं है, वो सवेरे क्यों उठते हैं, क्या कर रहे हैं, बस अपने कामों में बिजी है, लेकिन सब कुछ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे पौलुस उसके उद्देश्य को बता रहा है, और उसका उद्देश्य था यीशु मसीह के जैसा बनना। हम सब का भी वही उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम यीशु मसीह के जैसे बनते जाए। और ये यीशु मसीह के जैसा बनना ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होती है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, अपना विश्वास उस पर डाल देते हैं, तब से वो शुरू हो जाता है, और उसके लिए सालों निकल जाते हैं। पौलुस जो नए नियम की जिसने 13 किताबें लिखी, और यीशु मसीह के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल, जिसका प्रभावशाली व्यक्ति अगर कोई रहा है तो वो पौलुस रहा है, जिसने अकेले उस जमाने के पूरे यूरोप में घूमकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटा, फैलाया। और उसने एक अकेले बंदे ने इतनी सारी कलीसिया को स्थापित किया। और वो उसकी 60-65 की उम्र में कहता है कि मैं उस लक्ष्य की ओर, जो यीशु मसीह को जैसा बनने का लक्ष्य है, उसकी तरफ मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। मैं कहता ना पहले 12 वचन में, यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, उसमें कोई घमंड नहीं है अभी भी कि मैं बन गया हूँ और मैंने इतनी कलीसिया को स्थापित किया है, मैंने इतने पास्टर्स को ट्रेन किया है, मैंने ये किया और मैंने वो किया है। वो किसी चीज़ की बात नहीं करता है, लेकिन बोलता है कि मैं आगे लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। और जब आप दौड़ में चले जा रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, यहाँ पर पौलुस उसकी दौड़ को दिखा रहा है,
और हमारे लिए ये साल का पहला संडे एक ऐसा मौका है जिस दिन हम दौड़ में थोड़ा सा रुकेंगे थोड़े देर के लिए। दौड़ में रुकना नहीं चाहिए, एक्चुअली हमको भागते रहना चाहिए, लेकिन आज के दिन हम थोड़ा सा रुक कर देखेंगे और पिछले साल का भी आकलन करेंगे कि हमने अब तक की दौड़ कैसे दौड़ी है, और पीछे मुड़कर देखेंगे और अपने आप से सवाल पूछेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं सबके सामने हाथ उठाकर, लेकिन आप अपने आप से ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिए कि आप 2018 को आपने कैसे बिताया, कैसे स्पेंड किया। और यूजुअली जब नया साल शुरू होता है तो लोग संकल्प करते हैं, और ज़्यादातर संकल्प क्या होते हैं, वज़न घटाते हैं। कोई बोलते हैं कल से 4 किलोमीटर दौड़ूंगा, 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, चिप्स नहीं खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, 8 ग्लास पानी पियेंगे, 7 या 8 ग्लास, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। कोई बोलता है कि नशा छोड़ूंगा, मैं शराब छोड़ूंगा, मैं सिगरेट छोड़ूंगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या इस साल में गाड़ी या घर खरीदेंगे, या नौकरी, नई नौकरी ढूंढेंगे कि ये नहीं नहीं ये नौकरी से जितना पगार मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। या कोई बोलता है कि इस साल बच्चों की शादी करा लेंगे। और ये अगर आप इनको ठीक से देखेंगे तो ये कुछ बुरे नहीं है। नशा छोड़ना बुरा है, वजन कम कराना अच्छी बात है, अपने अपने आप को सेहतमंद रखना अच्छा है, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये सारे के सारे अच्छे संकल्प है, अच्छे निर्णय है, और ये हम सबको करना चाहिए। लेकिन इन सब में अगर आप देखेंगे तो एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, ये सारे मेरे बारे में कि मुझे क्या करना है, मुझे वजन घटाना है, मुझे सेहतमंद होना है, मुझे कर्जा चुकाना है ताकि मैं आराम से जी सकूं। कुछ बच्चों के बारे में मैंने लिखे कि बच्चों का एडमिशन कराना है, लेकिन ये भी सेल्फ सेंटर्ड है, ये मेरे बच्चों के बारे में मैं घमंड करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे आगे बढ़े, और ये भी सेल्फिश है। और हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, हम सबके ऊपर बड़ी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियाँ होती है, कामकाज की जिम्मेदारियाँ होती है, परिवार की जिम्मेदारियाँ होती है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है, छोटे बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती है, और फिर इतने सारे जिम्मेदारियों के बीच में हम दब जाते हैं, और हम फिर सोचते हैं कि काश कोई मुझे बता दे इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतने सारे जिम्मेदारियाँ है, इसमें से महत्वपूर्ण कौन सी है, कि मैं किसके ऊपर ध्यान दूँ कि एटलीस्ट मैं उसको पूरा कर पाऊँगा। सारा तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इधर काम पे ध्यान दूँ तो इधर परिवार दुखी हो जाता है, परिवार पे ध्यान दूँ तो नौकरी पे परेशानी होती है, समाज में परेशानी हो रही है, पड़ोसी को ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। सो अलग अलग परेशानियों में, अलग अलग जिम्मेदारियों में हम फंसते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इसमें से महत्वपूर्ण क्या है। और ऐसा ही एक सवाल एक शास्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था। आइए हम बाइबल में देखते हैं, मरकुस की किताब 12वां अध्याय 28वें वचन में, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें वाद विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उनसे उसने कैसे सुंदर ढंग से उन्हें उत्तर दिया है, उससे प्रश्न पूछा, यीशु मसीह से उसने प्रश्न पूछा, सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है। और वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना सारा कॉम्प्लेक्स लाइफ है, जटिल लाइफ है, अब इसमें अगर एक चीज़ करनी है तो वो मैं कौन सी करूं। और प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ जवाब देते हैं, और वचन 28 और 30 में हम देखते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। और ये प्रभु यीशु मसीह के पास एक सवाल लेकर आता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है, और प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं। और इस जवाब से हम देखते हैं कि इस जवाब में किस चीज़ों के बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलते, कोई कमाई के बारे में नहीं है, सेहत के बारे में नहीं है, समाज के बारे में नहीं है, परिवार के बारे में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह
कुछ रिश्तों के बारे में बात करते हैं। कौन से रिश्ते के बारे में? 30वें वचन में हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता। वो प्रेम के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए, सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना चाहिए। और फिर उसने तो एक ही आज्ञा पूछी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको दूसरी भी देते हैं, दूसरी भी बता देते कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और दूसरी भी रिश्ते के बारे में आती है, पहला परमेश्वर के साथ का रिश्ता और दूसरा लोगों के साथ का रिश्ता, पड़ोसी के साथ का रिश्ता। और भाइयों बहनों, जीवन ये रिश्तों से बना हुआ है और हम सब लोग, मैं भी उसमें हूँ, हम सब जीवन को चीज़ों में ढूंढते हैं, हम सब संसार की चीज़ों में अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी खुशी को ढूंढने लगते हैं। कोई नया फ़ोन आ रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, नया गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों में हम अपने जीवन को बिजी करते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का नज़रिया बिल्कुल अलग है। परमेश्वर रिश्तों को देखते हैं, परमेश्वर रिश्तों के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के साथ का रिश्ता और लोगों के साथ का रिश्ता। और ये अगर हम संकल्प देखेंगे नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में है या सेल्फिश है, लेकिन इसमें से एक भी जो ज़्यादातर कॉमन है, रिश्तों के बारे में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि हम सब अपनी तरफ देखते हैं, अपने सिर्फ सेल्फिश, अपना स्वार्थी मोटिव हम उसको पूरा करना चाहते हैं। और अगर इसको हम फिर से देखेंगे तो इसमें एक और दिक्कत है, और दिक्कत यह है कि ये सारे के सारे इस दुनिया से, इस दुनिया के लाइफ से कनेक्टेड है। एक नया फोन कितने दिन चलता है? 4 साल, 5 साल, 5 साल के बाद खत्म हो जाता है। आपने नया घर भी ले लिया, वो भी पुराना हो जाएगा। नई नौकरी ले ली, वो भी पुरानी हो जाएगी। कुछ भी कर लिया, ये सारी चीज़ें ये कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन परमेश्वर और हमारा जीवन भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जीवन 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इतना ही हम जी सकते हैं। और 2018 तो आज ख़त्म हो गया है, 6 दिन पहले ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो हम अपने मौत के 1 साल करीब चले गए। हम सब लोग खुशी मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब मौत के 1 साल करीब चले गए। हमें नहीं पता हमारी मौत कब आएगी। और ये जो समय है, जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, वो खत्म होते जा रहा है। या हम मौत के करीब जा रहे हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के दिन के करीब आ रहे हैं, करीब जा रहे हैं। हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, करते हैं? सो हम एक तो मौत के करीब जा रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में वापस आने के दिन करीब जा रहे हैं, जब हमारा न्याय होगा। और जब न्याय होगा तब प्रभु यीशु मसीह इसमें से किसी चीज़ के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछेंगे कि हम कौन से घर में रह रहे थे, कितने कमरे का घर था, हमारी पगार क्या थी, हम कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, हमारी सेहत, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। अगर हम वचन में देखेंगे मत्ती 25 का 34 जो ऊपर है, यहाँ पर उस दिन के बारे में बताया गया जब प्रभु यीशु मसीह एक साइड के लोगों से, दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए ये प्रॉमिस देते, ये आश्वासन दे रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस स्वर्ग में खुशी, आनंद और शांति के साथ रहेंगे। वह परमेश्वर की मौजूदगी रहेगी हमारे साथ। और एक दूसरा भी ग्रुप है जो वचन 41 में 41 में लिखा है, एक दूसरे ग्रुप से प्रभु यीशु मसीह कहेगा, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
दो ग्रुप होंगे भाई और बहनों उस दिन, एक ग्रुप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेगा और एक दूसरा ग्रुप जो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा और ये अनंत काल तक होता रहेगा। स्वर्ग और नरक ये अनंत काल की बातें हैं, जहाँ पे स्वर्ग में जहाँ पे अनंत काल के लिए खुशी रहेगी, परमेश्वर की मौजूदगी रहेगी, और नरक जहाँ पे अनंत काल के लिए दुख दर्द और पीड़ा रहेगी, दांतों का पीसना रहेगा। और अनंत काल, अनंत काल की हम कल्पना कर सकते हैं, 2018 एक साल चला गया, ऐसे हजारों साल, हजारों हजारों साल। मुझे हम पिछले एक दो महीने पहले हम DBF के एक दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पे एक पास्टर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और उन्होंने बताया था कि ये केबल, ये वायर है और हम, ये हमारी ज़िंदगी है और हम यहाँ पर जी रहे हैं और कुछ सालों के बाद हम मर जाएंगे और ये केबल, ये जो वायर है ये लंबी है और ये लंबी वायर सोचो आप दिल्ली तक जाती है। दिल्ली यहाँ से कितना लंबा है, दूर है 50 किलोमीटर। सो ये वायर 50 किलोमीटर तक गई, वहाँ से बम्बई चली गई। दिल्ली से बम्बई कितना दूर है, 15,000 किलोमीटर। वहाँ से अमेरिका चली गई, लाखों किलोमीटर। वहाँ से घूम के वापस आ गई, पृथ्वी गोल है, गोल है ना। सो पूरा अर्थ को उसने एक सर्कल कर लिया, हजारों लाखों किलोमीटर, और उसके बाद और दो चार राउंड मार लो, और राउंड मार लो। और यह है अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है, हजारों हजारों लाखों साल। इस धरती पर तो हम कुछ साल जिंदा रहेंगे, लेकिन इसके बाद हम हजारों हजारों लाखों साल के लिए कहीं और जिंदा रहने वाले हैं। और समझदारी क्या है फिर, कि ये जो धरती का कुछ समय का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अनंत काल का डेस्टिनेशन, हमारा अनंत काल का जगह, ये धरती के 70-80 साल डिसाइड करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना 2019 का साल उस अनंत काल के दृष्टिकोण से जिए, उस इटर्नल पर्सपेक्टिव से जिए कि ये साल है, उसके बाद कभी ना कभी मुझे मरना है और उसके बाद एक अनंत काल शुरू हो जाएगा। और ये इस तरीके का जीना कि हमारी योजनाएं बनाना कि जो अनंत काल के जीवन में मायने रखेंगी, वो समझदारी है, वो बुद्धिमानी है। सो मैं चाहता हूं कि जब हम 2019 का कुछ प्लान्स करेंगे, संकल्प करेंगे, आप में से कुछ लोगों ने किए होंगे और मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप आज का वचन सुनने के बाद फिर से उनको देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा से ये अलाइन होते कि नहीं, मेल खाते या नहीं खाते। और ये नहीं खाते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें कुछ बदलाव लेकर आइए। और इससे पहले कि हम 2019 का प्लान करें, हम पहले 2018 की ओर देखते हैं। 2018 में हमने क्या किया, और आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप अपने आप से जवाब, अपने आप को जवाब दीजिए, क्या 2018 में मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बेहतर हुआ है। भैया ने अभी प्रचार के पहले बात की, हमारा तो बात भी नहीं हुई थी, लेकिन भैया ने कहा कि यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि क्या मैं यीशु मसीह को और करीब से जाना हूं। और यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनने के लिए बाइबल पढ़ने में 2018 में वफादार रहे, और ये हम सबके लिए सवाल है। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए, जैसे भैया ने किया कि प्रभु दयावान है, प्रभु उनके वचन सुनने के द्वारा उनके दिलों में काम करता है, लेकिन जो लोग पढ़ लिख सकते हैं क्या उनके दिल में वो भूख और प्यास है। और भैया ने इस पर ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है, और हम सबका एक्सक्यूज़ क्या होगा, भैया को तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन हम सब, हम क्या बोलते हैं कि भैया हम बहुत बिजी है, जिसके पास काम नहीं वो भी बोलता मैं बिजी हूँ,
बारह घंटे काम करना, फिर बाद में परिवार को देखना, बच्चों को देखना, संसार की चिंता, और हम सब के पास कोई ना कोई बहाना होता है और हम बोलते हैं कि भैया समय नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये समय का सवाल नहीं है, ये प्राथमिकता का सवाल है, प्रायोरिटीज का प्रश्न है कि हम अपने जीवन में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। हम कितने भी थक के आने के बाद खाना खाते हैं क्योंकि हमें पता है भूख लग रही है, हमारे शरीर के लिए खाना महत्वपूर्ण है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, सर दुखेगा और कुछ कुछ होगा, चक्कर आएगा। लेकिन बाइबल को हम, परमेश्वर के वचन को हम साइड में कर देते, उसको ऑप्शनल कर देते और हम सबके पास 24 घंटे है। हम जैसे साधारण लोगों के पास 24 घंटे है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास 24 घंटे है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटे ही है। प्रभु ने सबको सेम समय दिया हुआ है और हमको उस 24 घंटे को बुद्धिमानी से और ईमानदारी से उसे इस्तेमाल करना है। और मत्ती, अगर आपको ये वचन बाइबल का एक वचन याद करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मत्ती 6:33 याद कीजिए। मत्ती 6:33 किसको याद है क्या बोलता है? हाँ, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। वहां पे प्रभु यीशु मसीह चिंता के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? चिंता के बारे में बात करते हैं और फिर बाद में उसको एंड, उसका अंत वो इस तरीके से करते हैं कि तुम पहले परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सारी बातें आप सबको आपको मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बाकी सारी बातों में खोए हुए हैं और परमेश्वर को हम दरकिनार करके बैठे हुए हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर को हम वचन में खोज सकते हैं। और किसी ने कहा है कि हम बाइबल को जानकर परमेश्वर को जान सकते हैं। और भैया ने भी बताया कि ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, ये परमेश्वर की ओर से हमें आया हुआ है। अगर हमें को परमेश्वर से कुछ जानना है तो परमेश्वर ने ही उसके बारे में इसमें लिख रखा है। ये मेरे ऊपर या भैया के ऊपर की बात नहीं है, ये परमेश्वर अपने बारे में इस किताब में क्या लिख रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है। और जो मत्ती 6:33 है वो अगर हम देखेंगे तो वो आज्ञा है, वो एक सुझाव नहीं है यीशु मसीह का कि हो सके तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो अगर समय मिले तो। अगर आपके पास समय मिल जाए, हो सके, लाइफ ठीक है, ठाक चल रही है, तो परमेश्वर की राज्य की खोज कर लेना, वरना ठीक है, चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये सुझाव नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा है। दूसरी बात, क्या हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बात करने में वफादार रहे 2018 में? कोई भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए बातचीत का होना, कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, होता ही नहीं होता है? अब पिछले हफ्ते मैं मेरे 10th के फ्रेंड्स को मिला जिनको 28 साल के बाद मैं मिला। कितने सालों के बाद? 28 साल। उसमें से ज़्यादातर लोगों से मेरी बातचीत नहीं हुई थी। क्या मैं कह सकता हूँ हमारा रिश्ता मजबूत है? 28 साल हमने बातचीत नहीं की और हम बस एक बार एक मिल गए। भाई और बहनों, ये वो तो खोखला रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह को जानना और प्रभु यीशु मसीह से बाइबल से प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा हम उनसे बात करते हैं, और ये टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिलिपियों की किताब इसका 4:6-7, किसी भी बात की चिंता मत कर करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है कि सारी चीज़ें आप परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा लेकर जाओ।
खुशी लेके जाओ, चिंता लेके जाओ और सारा सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दो, उपस्थित कर दो। और हम सबके लिए सवाल यही है कि क्या हमने 2018 में किया, या हम 2018 में अपनी चिंताओं में घिरे रहे, या अपने ही दम पर हम सिचुएशन को, परिस्थितियों को कंट्रोल कर रहे थे। हम सबके लिए सवाल है कि 2018 में मेरी प्रार्थनाएं किस तरीके की रही, क्या वो सिर्फ मेरे और मेरे परिवार और मेरे बच्चों और मेरे घर के आसपास उसी सर्कल में रही, या उनका दायरा बढ़ा, क्या मैंने मेरे पड़ोसी के लिए प्रार्थना की, या जो मेरे ऑफिस में परेशान करता है क्या मैंने उसके लिए प्रार्थना की, मैंने दूसरे लोगों के परमेश्वर के राज्य बढ़ने के लिए प्रार्थना की, क्या हमारे प्रार्थना का स्तर बढ़ा है। अगर हम फिर अपने बाप, अपने मम्मी पापा बच्चे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भाई और बहनों हम सब के लिए परमेश्वर का वचन आज कुछ बता रहा है, हम सबको अपनी प्रार्थनाओं का स्तर बढ़ाना है। हमें उन खोए हुए जातियों के लिए प्रार्थना करनी है, उन खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो यीशु मसीह को आज भी नहीं जानते। और ये हमें हम देखना है। दूसरी बात, क्या मेरे दूसरे मसीहों के साथ रिश्ते बेहतर हुए 2018 में? और जब मैं दूसरे मसीहों के साथ बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हम आपस के रिश्तों की बात कर रहा हूँ। हम सब लोग के आपस के रिश्ते 2018 में क्या हमने इम्प्रूव किए, कोई प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है? 2017 में जैसे थे, क्या 2018 में हम एक नॉच, एक लेवल ऊपर गए हैं? और हम सबके लिए सवाल है, हमने दावत दोस्ती किया था, हम सब लोग गए थे, हमारे घर पे कुछ लोग आए थे, लेकिन ऐसे कितने दावत दोस्ती हमने खुद मिलकर की, कितने लोगों को हम जाने? भाई और बहनों, हम दोस्तों को अपने मन के अनुसार चुन सकते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों को हम चुन नहीं सकते। आप लोगों को पता है, मेरी बेटी है और बेटा है, जब हमारा दूसरा बच्चा होने वाला था तो मेरी बेटी चाहती थी कि लड़की हो, वो चाहती थी कि लड़की हो, उसके साथ वो खेलेगी, लेकिन हुआ लड़का। वो चाहती, अगर उसको चुनाव दिया होता तो वो लड़की चाहती थी, लेकिन अभी भाई हो गया है, उसका चुनाव नहीं है लेकिन अभी वो उसका भाई है। और ये हम सब लोग भी यहाँ पे बैठे हैं ना, हम सब लोग भाई बहन हैं। आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं, आपको पसंद आए ना आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी वो जो सवाल ही नहीं है, ये सब हम सब मसीह में भाई बहन हैं। और इनसे प्रेम करना, इनको जानना, ये हमारा काम है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। और परमेश्वर का वचन बार बार वचन में कहता है कि तुम एकता में बढ़ते जाओ, एकता में आगे बढ़ो। और बहुत दुख दर्द की बात है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में किसी से बातचीत नहीं करते, किसी के साथ जमता नहीं है। परमेश्वर का वचन कलीसिया को शरीर कहता है, पता है आपको? और परमेश्वर यीशु मसीह उसके सिर है, और हम सब एक शरीर है, हम सब हाथ पैर है। और जब किसी हाथ में दर्द हो रहा है तो सारे शरीर में दर्द होता है, और फिर हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो हाथ का प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का वचन कलीसिया को दुल्हन भी कहता है, यीशु मसीह की दुल्हन है। और ये जो आपके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, वो यीशु मसीह की दुल्हन को बनाते हैं। और अगर यीशु मसीह उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने उनके लिए अपनी जान दी, तो क्या हम उनसे नफरत कर सकते हैं, क्या नापसंद कर सकते हैं? ये हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये परमेश्वर के लोग हैं और ये सारे लोग हमारे भाई बहन हैं। सो हमारे लिए सवाल यही उठता है कि क्या 2018 में आप आजू बाजू में देख सकते हो और अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने लोगों के मुझे नाम पता है, मैं कितने लोगों के घर गया हूँ, इसमें से कितने लोग मेरे घर पे आए हुए हैं? और अगर ये जवाब आपको सेटिस्फाई नहीं करता तो हमने 2018 को इस पॉइंट के लिए बर्बाद किया है। तीसरा सवाल, मेरा दुनिया के लोगों के साथ, गैर मसीहों के साथ क्या रिश्ता बेहतर हुआ है? अब हम बाहर जाते हैं, इस हॉल के
बाहर, कि बाहर वाले लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहा है, और जहां पे हम काम करते हैं, जहां पे हम रहते हैं, क्या वहां पर हमने लोगों के साथ कोई अच्छा रिश्ता बनाया है कि हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको नमक और ज्योति कहता है, नमक जो स्वाद लाता है और जो सड़ाहट से बचाता है, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ काम के जगह पर, जहाँ पे आजू बाजू के सारे लोग गाली गलौज कर रहे हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे को पैर खींचने के पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या मैं ईमानदारी से काम करके प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छी साक्षी वहाँ पर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। वचन हमको प्रकाश भी कहता है, ज्योति कहता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उन लोगों तक भी पहुँचाएँ, या हम उस बेफिक्र लोगों के जैसे कि हम उनके साथ हो जाते हैं, उनके जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, हमारे पड़ोस में कौन है हमें पता भी नहीं है। और भाई और बहनों, एक साल चला गया है, प्रभु ने हमें समय दिया था 2018 का साल, लेकिन वो अब चला गया है, और संभव है कि हम ने सब ने इन सारे बातों के लिए 2018 को बर्बाद किया होगा, या किसी ने किसी चीज़ के लिए बर्बाद किया होगा। लेकिन प्रभु दयावान है, वफादार है, और वो हमको अभी एक और साल देता है। उसने हम सबको 2019 दिया है, हम सारे लोगों ने अभी 2019 में प्रवेश कर लिया, हम सारे लोग आ गए। और पौलुस भी कलीसिया फिलिपियों की किताब जब लिखता है तो वो लिखता है 13वें वचन में कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ। सो पीछे जो हो गया अच्छा हुआ, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो कुछ कमी रह गई है वो हमको 2019 में पूरी करनी है। तो मैं आप सब लोगों को आज परमेश्वर के वचन से यही चैलेंज करना चाहूँगा कि 2019 के लिए आप लोगों ने संकल्प किए होंगे तो आप इस आईने में उसको, इस आईने के द्वारा उसको आप देखिए कि क्या आपने संकल्प किया है कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो। और वो दो ही चीज़ों से हो सकता है, बाइबल पढ़कर, रोज उस पे ऊपर मनन करके। ये परमेश्वर की, ये परमेश्वर का लव लेटर है, जैसे बोलते हैं प्रेम पत्र है, और उसको हमको बार बार पढ़ते रहना है। और मैंने अब तक बहुत सारे चर्चेस अटेंड की है, लेकिन मैंने कभी किसी चर्च को बाइबल रीडिंग प्लान के ऊपर इतना जोर देते हुए कभी नहीं देखा है, कोई तो देता ही नहीं है। और मैंने काफ़ी चर्चेस अटेंड की है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस चर्च के लिए, दिल्ली बाइबल फेलोशिप, जहाँ पे बाइबल बीच में है और जहाँ पे बाइबल के बारे में इतना बोला जाता है, और आप सबको ये दिया जा रहा है और इनक्रेज किया जा रहा है कि पढ़ो आप, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहली पेज पे भैया ने एक पास्टर डीएल मूडी का कोट लिखा है, उस पर लिखा है, या तो बाइबल आपको पाप करने से रोकेगी या पाप आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा। और ये परमेश्वर के महान दास डीएल मूडी ने लिखा है, और ये सच्चाई है। या तो पाप इस संसार की चमक हमको इससे दूर करेगी, या ये हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाने के लिए सहायता करेगा। और भैया ने भी ऑलरेडी बात कर ली है, तो मैं इस पर अब ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन आप इसको ज़रूर सीरियसली ले। ये जिसको पढ़ना लिखना आता है उसके लिए ये बहुत 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 ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बाइबल को तलवार भी कहता है, दुधारी तलवार कहता है, इफिसियों के 6:17 में लिखा है। और हम सब जानते हैं हम आत्मिक युद्ध में है, और युद्ध में हमारा एक दुश्मन है, हमारा एक एनिमी है, और वो यही चाहेगा कि हम परमेश्वर से दूर जाए, पीछे हटे। और बाइबल को ही परमेश्वर तलवार कहता है, एक आक्रामक अटैकिंग वेपन कहता है, जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का भी, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार शैतान को क्या बोला, लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला अपने मन से कि नहीं मुझे नहीं लगता,
मेरे दिमाग से ये मेरे रैशनल में मेरे बुद्धि में ये सही समझ नहीं लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास काफ़ी बुद्धि थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह बार बार बाइबल से बता रहे थे कि लिखा है लिखा है लिखा है। और हम सब के लिए सवाल है कि हमें पता है कि क्या लिखा है? हमें पता चलेगा क्या लिखा है जब हम उसको पढ़ेंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ज़रूरी था और हम सब के लिए भी वो ज़रूरी है। पौलुस जब तिमोथियस को लिखता है, तिमोथियस पौलुस का चेला है, नया पास्टर है, उसको लिखता है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमको सिद्ध बनाता है और हमको भले काम करने हैं, भले काम करने के लिए तत्पर रहना है, तो हमको परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मेहनत से लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर से मजबूत रिश्ता करने के लिए मेहनत से लगातार प्रार्थना करते रहे। अभी मैं यहाँ पे मेहनत से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना आसान नहीं है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है कि हम बाइबल आधा घंटा पढ़ सकते हैं। अगर कोई अच्छा पैसेज आ जाए तो मैं एक घंटा पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है, लेकिन उसके बाद प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो कोई काम याद आता है, और कोई काम जो हुआ नहीं है, या कोई व्यक्ति याद आ जाता है जो परेशान कर रहा है, कोई समस्या है, समस्या याद आ जाती है, और प्रार्थना में हम ध्यान नहीं लगा सकते। और हम सबको पता है कि बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना बाइबल पढ़ने से बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत करें उसके लिए एफर्ट्स ले और लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करना आत्मिक काम है, और शैतान नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा लाने का ट्राई करेगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें समस्याएं याद आती है, तो हमको इमीडिएटली पहले उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ध्यान भटका रही है, हम उसके लिए पहले प्रार्थना कर देंगे। परमेश्वर सामर्थ्यशाली है और उस समस्या को चुटकी में उसको सुलझा सकते हैं, तो हम अपने ध्यान को भटका देने के बजाय हमको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुलीसियों 4:2 कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। प्रार्थना में लगे रहो, बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, और ये प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ बातचीत करने का तरीका है। सो भाई और बहनों, ये सबसे ज़रूरी है। भैया ने भी काफ़ी बताया कि 2019 में हम सबका ये निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के और करीब जा सकूं, मैं परमेश्वर को और जान सकूं। और फिर दूसरी बात, हमको आपस के रिश्तों को मजबूत करना है। हमको केवल परमेश्वर के रिश्ते के साथ मजबूत नहीं करना है, हमको आपस के रिश्ते को भी मजबूत करना है, क्योंकि परमेश्वर भी हम सब बाकी लोगों से भी प्रेम करता है, और हम सब भाई बहन हैं, एक परिवार है। सत्संग खत्म होने के बाद 200 लोगों को बिना कुछ सोचे समझे जय मसीह बोलने के बजाय 10 नए लोगों को आप मिली है। 10 नए लोगों के नाम जानने का ट्राई कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उन कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अपने ही परिवार के साथ या अपने ही जान पहचान वाले के साथ बाद में मिलिए, पहले दूसरों लोगों के साथ समय बिताए। पहला पत्रस 4:9 कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। हमने दावत दोस्ती किया, लेकिन वो दावत दोस्ती आपका इंडिविजुअली चलते रहना चाहिए, और हमेशा बड़ी दावत करने की ज़रूरत नहीं, कोई सादा भोजन करे, लोगों को बुलाए, लोगों को अपने घर पे पहुनाई करे, लोगों के साथ समय बिताए बेसिकली।
और तीसरी बात, दुनिया के लोगों के साथ, गैर मसीहियों के साथ रिश्ता मजबूत करने का प्रयास करें, अपना दायरा बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हो सके तो महीने में एक बार, दो महीने में एक बार किसी पड़ोसी को या जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता उसको अपने घर में बुलाइए, खाने पे बुलाइए, चाय पे बुलाइए, समय बिताइए उसके साथ। हम अपने दिल की बात किसी को ऐसे ही बता देते हैं पहले बार मिलने पे, हम नहीं बताएंगे। तो उनके जीवन में जो दुख परेशानी होंगी वो हमें पहले मीटिंग में नहीं बता देंगे। हमको उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, दोस्ती बनानी चाहिए, और उसके लिए हमको मेहनत से प्रोएक्टिवली खुद होकर इनिशिएटिव लेकर अपनी ओर से बढ़ावा लेकर कदम उठाना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे हमारे पास, हमको उनके पास जाना है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेते हैं, हम परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सीरियसली लेते हैं, परमेश्वर के राज्य को सीरियसली लेते हैं, तो ये करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोगों के साथ हमको एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण रिश्ता बनाना है, ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके। दूसरे लोगों की मदद करना, इसमें उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, इससे दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। वो लोग भी सच्चाई को जान सके, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। और ये अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सारा सिंपल लगता है, और हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें करते भी होंगे, लेकिन हमको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, अपने को इसकी इसकी जीवन शैली बनाना है। और केवल 2019 के लिए नहीं कि चलो 2019 में ये कर लेते हैं फिर 2020 में फिर से हम अपनी ओर देखेंगे, वैसा नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाना है, और ये उस तरफ हमें ले जाता है। और इसके अलावा आपको जो कुछ करना है आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमको, प्राथमिकता हमको इस चीज़ के लिए देनी है। भाई और बहनों, समय प्रेशियस है, मौलवान है। हम नहीं जानते हम सब के लिए कितना समय परमेश्वर ने दिया हुआ है। हम सब के लिए एक लिमिटेड समय है, 70 साल, 80 साल, 90 साल। याकूब जीवन को भाप कहता है, क्या कहता है? भाप, जो आज है थोड़ी देर के लिए है और फिर चली जाती है, दिखाई नहीं देती। उस तरीके का हमारा जीवन है, लेकिन इस थोड़े से जीवन में हम किस तरीके से जिएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करेंगे, वो मायने रखता है। इफिसियों के किताब में पौलुस लिखता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस लिखता है कि बुद्धिमानों की तरह चलो, निर्बुद्धियों की तरह मत चलो, अवसर को बहुमोल समझो, 2019 को बहुमोल समझो, ये परमेश्वर ने हमको दिया है और ये चला जाएगा। 2019 ये ऐसी किताब है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, अभी ब्लैंक है, और हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक किताब दी हुई है, और हम सबको देखना है कि हम इसमें अभी क्या लिखेंगे। 2018 की किताब चली गई, हम सबके लिए एक 2019 की एक नई किताब परमेश्वर ने उसके दया से दी हुई है, और हमको देखना है कि हम उसको, उस समय को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आपका प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता नहीं है, तो आपके लिए समय अभी का समय है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले। आपके लिए समय का उपयोग करना वही है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उन सब के लिए हमें देखना है कि 2019 में हमारी योजनाएं, हमारे निश्चय, हमारे प्लान क्या इसके साथ मेल खाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल सके, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमको भी अच्छा और भला विश्वासी उदास करके पुकार सके। आइए हम प्रार्थना करें।